तो नमस्ते यूट्यूब। तो आज का हमारा वीडियो होगा बाइसेप के ऊपर डे 4, जिसमें मैं बाइसेप का वर्कआउट बताऊंगा डिटेल वे में कि बाइसेप का 7 टॉप वर्कआउट क्या होगा बाइसेप के लिए। अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आप अपने वर्कआउट रूटीन में ये बाइसेप का वर्कआउट डाल के देखें, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए बाइसेप का वर्कआउट। तो बाइसेप का अपना फर्स्ट वर्कआउट होगा केबल के ऊपर, केबल में स्ट्रेट बार लगाना है आप लोगों को। उसके बाद चाहे ताकि आप लोगों का जो केबल से, मैं इसलिए बता रहा हूँ फर्स्ट वर्कआउट, ताकि आपका जो बाइसेप मसल, अभी आपने वर्कआउट नहीं किया, ऐसे नहीं पता है कि आप बाइसेप लगाने वाले हैं, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये खुल जाए और आप जो भी सेट बारबेल से लें या फिर डंबल से लें तो पूरा आपका जो बाइसेप पे ही लोड आए। तो देखिए किस तरीके से फॉर्म होगा। फॉर्म आप लोगों को ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़ना है, ज़्यादा क्लोज भी नहीं पकड़ना, मिडिल पकड़ना है, जहाँ पे आपका थाई खत्म हो रहा है वहाँ पे पकड़ना है। थोड़ा सा आप 2 स्टेप बैक आए और इस तरीके से, ये नहीं कि पूरा ये ऐसे घुमा के ऊपर लेके आ जाना। शोल्डर को एक जगह स्ट्रेट रखें, शोल्डर एक जगह, और आराम से फील करते हुए एक एक रेप को नीचे फील करते हुए एल्बो मत हिलाएं, बस बाइसेप का आपका ये फोरआर्म से ये आराम से उठना चाहिए, सारा लोड बाइसेप पे आना है। तो आप इस तरीके से इसमें 3 सेट लगा सकते हैं इंक्रीजिंग सेट। आपने पहले हल्का वेट लिया, फिर थोड़ा सा वेट इंक्रीज, इस तरीके से आप 3 सेट लगाएं वेट इंक्रीज करके। तो ये अपना बाइसेप का नेक्स्ट वर्कआउट, सेकेंड वर्कआउट होगा डंबल से, डंबल कर्व तो नॉर्मल वर्कआउट है, सब लगाते हैं, पर इसमें भी लोग छोटा छोटा गलतियां करते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप अपने वर्कआउट रूटीन में उस तरीके से लगाएं तो आपका पूरा लोड बाइसेप के ही मसल पे आएगा। तो देखिए आपको ज़्यादा नहीं वेट लेना, पहले इंक्रीजिंग बस 7.5 लेना, और ये आपका जो मूवमेंट है इसमें 2 तरीका होता है। पूरा दूर से दिखाइए, जैसे ये आप कर रहे हैं तो आप, एक होता है कि आप न्यूट्रल ग्रिप रखें और एक होता है ये इस तरीके से रखें, पर अभी आप बिगनर, आप इसको न्यूट्रल रखें और देन इसको आते वक्त रोटेट करें और हल्का से, जो आते वक्त जो आपका लास्ट वाला फिंगर है ये किंकिंग फिंगर, इसको आप आते वक्त रोटेट करें इस तरीके से, फिर देन ये पूरा न्यूट्रल कर दें, फिर इस हाथ से हम से ये मूवमेंट है। अब पूरी तरीके से लास्ट जहाँ तक आपका बाइसेप इंगेज हो रहा है वहाँ तक लेके जाए, हल्का सा आप एल्बो को हिला सकते हैं ताकि आपका पूरा बाइसेप पे पीक आए। जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ पूरा बाइसेप पे मेरे लोड आ रहा है, तो बाइसेप का अपना नेक्स्ट वर्कआउट थर्ड वर्कआउट होगा डंबल कर लगाने के बाद बारबल कर। बारबल आप स्ट्रेट वाला नहीं ले, एक जो आपके जिम में स्ट्रेट वाला होगा, हल्का जो इजेट बार होता है, जो जिस इस तरीके से जो होता है हल्का, ये जो कर्ली रॉड होता है इसे बोलते हैं, कर्ली रॉड इजेट बार दोनों बोल सकते हैं इसे, ताकि आपका जो एल्बो है एल्बो पे पेन ना आए। अगर लॉन्ग टर्म में आप स्ट्रेट बार लगा रहे हैं तो आपका एल्बो पे पेन आने का चांस है, तो इसलिए आप शुरुआत से यही बार यूज करें। इसमें भी फॉर्म आपका जो इसमें हैंडल देता ही है पकड़ने के लिए, पर आपका ये जान लें कि आप कोई भी बाइसेप का वर्कआउट ले रहे हैं, आपके थाई के अंदर नहीं होना चाहिए, आपका हाथ थाई में नहीं टकराना चाहिए और ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपका जो ग्रिप होगा तो हल्का बस थाई से बाहर, इस तरीके से जहाँ आपका थाई है वो ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट करना। और इसमें भी वही लॉजिक है और टेक्निक है कि आप पूरा बाइसेप को लास्ट मोमेंट तक कॉन्ट्रैक्ट करें, हल्का सा एल्बो को आगे की तरफ रोटेट करें और कॉन्ट्रैक्ट करें इस तरीके से। मेरा पूरा टेंशन बाइसेप पे आ रहा है, एक एक रैप मेरा बाइसेप खाली बार है, फिर भी मैं बाइसेप को फील कर सकता हूँ। तो आप लोग फर्स्ट सेट अपना 2.5 से ले लें और देन उसके बाद आप जिस हिसाब से अपना फील कर रहे हैं उस हिसाब से आप 5 kg, फिर उसके बाद 7.5 kg, इस तरीके से आप इंक्रीजिंग से। तो अपना नेक्स्ट वर्कआउट होगा बाइसेप का हैमर कर्ल, जो आपके ब्रैकियलिस मसल जो होता है बाइसेप का उस पर काम करेगा। मैं डंबल वर्कआउट और बारबेल वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाइसेप का ज़्यादा इक्विपमेंट आप लोगों के जिम में नहीं होगा, और आप होम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, पर जिम कर रहे हैं उसमें तो बाइसेप या कुछ भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो डंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डंबल से ही ग्रो कर सकते हैं और बारबेल से। तो दिखा देते हैं फॉर्म, डंबल को स्ट्रेट रखना और आते वक्त बिल्कुल हल्का सा ये आपको स्ट्रेट नहीं लाना, आपको हल्का सा आपके चेस्ट की तरफ मूव करना है डंबल को, हल्का सा आपके चेस्ट की तरफ, ताकि आप पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन अपने बाइसेप पे ले सके, पूरा इस तरीके से। देखिए लास्ट कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्शन करें। अगर आपको माइंड मसल कनेक्शन करने में दिक्कत है तो ऊपर आते वक्त एक दो सेकंड का होल्ड लें, इस तरीके से धीरे धीरे होल्ड लें और फिर आपका धीरे धीरे बाइसेप पे ही लोड पड़ेगा, आप फिर स्ट्रीट में ही मार सकते हैं। जैसे आपने 5 रैप लगाया इसमें, तो 5 रैप लगाए सबसे पहले होल्ड कर करके, और उसके बाद देन जो 5 रैप आपका बचेगा उसको आप ले सकते हैं आराम से विदाउट होल्ड किए हुए। तो अपने नेक्स्ट तो बाइसेप का अपना नेक्स्ट वर्कआउट होगा, फिफ्थ वर्कआउट होगा बाइसेप का। तो बाइसेप का फिफ्थ वर्कआउट आपका मशीन पे होगा, टीचर मशीन, इसे टीचर मशीन कहते हैं। ये सबके जिम में अवेलेबल होता है, थोड़ा क्लोज से दिखाइए। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने लगाया है आप लोगों को मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। जिस तरीके से सबसे पहला तो आप ये जो स्ट्रेट बारबल है बारबल से भी लगा सकते हैं, या फिर आपका मल्टीपल मशीन इंगेज नहीं है, खाली है, तो आप मशीन पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों से मैं करके दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरीके से होगा। इसमें जैसे आप खड़े होकर पकड़ते हैं वही ग्रिप लेना और देन इसको पूरा अच्छे तरीके से बाइसेप को फील करते हुए। इसमें आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट रहेगा, तो इसलिए ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट वर्कआउट है जो आप इस खड़े होकर लगा रहे हैं। एक एक रैप को फील करते हुए लगे। अब मैं मशीन से भी बता देता हूँ कि मशीन से किस तरीके से करना। मशीन में ये फायदा है कि आपका टेंशन पूरे टाइम तक बाइसेप पे ही रहेगा, बाइसेप ये बार में ये होता है कि आप ऊपर आते वक्त आपका कॉन्ट्रैक्शन हट जाता है बाइसेप पर से, पर मशीन में यही बेनिफिट है कि आपका पूरा टेंशन लास्ट तक बाइसेप पे ही रहता है। एक एक रैप को फील करते हुए। तो अपने नेक्स्ट वर्कआउट में मिलते हैं। अपना नेक्स्ट वर्कआउट होगा 6th वर्कआउट बाइसेप का, जो आपका पूरा एकदम जो बाइसेप का पीक होता है पीक पे काम करेगा। इस वर्कआउट थोड़ा सा टेक्निकल है तो ध्यान से देखें वर्कआउट को। अपना जो आपका एल्बो है इस तरीके से आप इस पर स्टिक कर ले, देन उसके बाद 7.5 या फिर आपको जिस हिसाब से डंबल हो आपका, अभी 2.5 किलो से हो रहा है 2.5 से हो रहा है तो आप उसी से करें, पर मैं 7.5 ले रहा हूँ। देख लीजिए फॉर्म, जाते वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है बाइसेप को, एक एक रैप को फील करना है, और आपसे जब नहीं हो रहा है लास्ट रैप में तो आप 2 उंगली का सपोर्ट इसमें ले सकते हैं। इस वर्कआउट का नाम हुआ कॉन्सेंट्रेशन कर। कोई भी वर्कआउट करें तो आप एक बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म उसका जो है उसको सही से फील करते हुए करें। तो नेक्स्ट वर्कआउट पे अपने मिलते हैं। सो अपना 7th वर्कआउट एंड लास्ट वर्कआउट बाइसेप का होगा हैंगिंग कर्ल। हैंगिंग कर्ल का भी मैं फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। बेंच अपना 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना इस तरीके से, जिस तरीके से आप चेस्ट मारते हैं, और देन इसके ऊपर पूरा अच्छी तरीके से लेट जाना, सर को आगे रखना और ये पूरा फॉर्म नीचे, हाथ को हैंग कर देना, हाथ को सोचना हाथ में पावर नहीं, हाथ पूरा हैंग, देन उसके बाद बाइसेप को कर्ल करना है। एक एक रैप इसमें आपका बाइसेप के ऊपर ही आएगा। ये बेस्ट वर्कआउट है अगर आप बाइसेप लगा रहे हैं तो ये फिनिशर वर्कआउट के तौर पे लगा लें। और इसी में मैं थोड़ा सा एक और वेरिएंट बता देता हूँ, स्पाइडर कर्ल। आप यही इंक्लाइंड है आपका तो आप चाहें तो इसके अल्टरनेटिव में ये लगा सकते हैं। इस तरीके से हाथ को हैंग करें वही इंक्लाइंड बेंच पे, और पूरा अच्छे तरीके से हाथ को स्ट्रेच, हाथ में बिल्कुल लोड नहीं रहना इस तरीके से, पूरा लोड आपका बाइसेप पे ही होगा। अब मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्कआउट ट्राइसेप के वर्कआउट के ऊपर। मैं इसी तरीके से वीडियो में मिलूंगा आप लोगों को, नया नया वर्कआउट बताऊंगा। और ये तो अभी मैं बता रहा था जो ये बिगनर वर्कआउट था, सारा मैंने बिगनर के हिसाब से प्लान करके वर्कआउट बताया ताकि वो अच्छा मसल गेन कर पाए। और मैं एक और सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं एडवांस वर्कआउट बताऊंगा, जिसमें सुपर सेट, जॉइंट सेट, ये सब मैं डालूंगा। तो ये आप अगर बिगनर है तो ये फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करें। थैंक यू।